नमस्कार दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शाहरुख खान के जवान मूवी के सातवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और आठवें दिन के एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बात करें डे वन की कलेक्शन की तो वो शानदार था और इस फिल्म ने अपने पहले दिन 75 करोड़ की कमाई की थी। बात करें डे टू की तो इस फिल्म ने 53.23 करोड़ की कमाई की थी। और बात करते हैं यहाँ पे सैटरडे तीसरे दिन की तो इस फिल्म ने 77.83 करोड़ की कमाई की। वहीं चलते हैं और संडे की बात कर लेते हैं तो इस फिल्म ने अपने चौथे दिन 80.1 करोड़ की कमाई की, जिसमें से काफ़ी अच्छा कमाई की और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वहीं बात करें इसके पाँचवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई और इस फिल्म ने 32.92 करोड़ की कमाई की। वहीं बात करें डे सिक्स की, इसमें जो कि कमाई की वो 26 करोड़ की थी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। वर्किंग डे होने के कारण इस फिल्म में सिर्फ 26 करोड़ की कमाई की। वहीं बात करें सातवें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो वो था 23.3 करोड़, और इस फिल्म ने अपने सातवें दिन एक हफ्ते में 23.3 करोड़ की कमाई की, जिसमें से हिंदी से इस फिल्म ने 21.5 करोड़ की कमाई की, तमिल से इस फिल्म ने 0.95 करोड़ की कमाई की और तेलुगु से इस फिल्म ने 0.85 करोड़ की कमाई की। वहीं बात करते हैं इसके टोटल एक हफ्ते की इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में तो वो होता है 368.38 करोड़। वहीं बात करें इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की तो वो हो जाता है 620 करोड़ के आसपास। वहीं बात करें इसके डे एट के एडवांस बुकिंग कलेक्शन की तो डे एट के एडवांस बुकिंग कलेक्शन 4 करोड़ के आसपास है, और यह फिल्म करीब करीब अगर 4 करोड़ के आसपास है तो आठवें दिन इस फिल्म करीब करीब 17 से 18 करोड़ कमाने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि यह फिल्म अपने आठवें दिन कितने की कमाई करने वाली है, कमेंट करके बताएं। और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब